ये धुना लगातार जलता रहता है। और यहाँ पर एक बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं, तो इनसे बात करेंगे और महात्मा जी ही इस मंदिर के जो इतिहास है उसको अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पर जब जंगल था, जब मैं यहाँ पर आया, सब मंदिर जो है अंदर छुपा हुआ था, भगवान ने उनको प्रेरणा दी तो सब शक्तियाँ जो देवी मूर्तियाँ हैं सब बाहर आ गई। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये केदारनाथ के समय का है, ये बड़ा सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जंगली हाथी भी यदा कदा माथा टेकते हुए देखे गए हैं। और जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, जैसे 15 वर्ष बाद संतान का होना। जय गंगे माता दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। इस समय मैं हूँ हरिद्वार के चंडी घाट के पुल में और यहाँ से आप सभी को ले चलेंगे शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो कि जो चंडी देवी मंदिर है उससे कुछ आगे है। कितने किलोमीटर है ये वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो मंदिर है शंकर जी का ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर बताते हैं कि पुरातत्व विभाग ने कई ऐसी प्राचीन धरोहर है जिसको संभाल के रखा है, तो आप सभी को वो भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और कोशिश करें कि लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि रास्ते के सारे जो भी दृश्य हैं वो आप सभी देख पाएंगे। वहां तक कैसे पहुंचें उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं और चंडी पुल आपके लिए वो पॉइंट होगा जहां से आगे का रास्ता आपको याद रखना होगा कि कैसे शंकर जी के प्राचीन मंदिर तक पहुंचा जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो पहाड़ आपको सामने नजर आ रहा है यही है चंडी देवी का मंदिर। और चंडी पुल अब समाप्त होने वाला है, इससे आगे आपको नजीबाबाद का जो हाईवे है उस रोड पर जाना होगा। आप फिलहाल रास्ते के व्यू देख सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस मंदिर के बारे में, वहां का जो इतिहास है, पौराणिक जो महत्व है, ये सभी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं चंडी देवी मंदिर का ये पैदल मार्ग है। ये देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु यहां से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इससे हमें और आगे चलना होगा। और उसके बाद आगे आएगा चंडी देवी मंदिर का जो रोपवे का मार्ग है वो मिलेगा, और वहां से होते हुए आगे की यात्रा हम करेंगे। दोस्तों ये वो स्थान है जहां से चंडी देवी मंदिर के लिए उड़न खटोला रोपवे मिलता है, और रोड आप देख सकते हैं यही रोड आगे नजीबाबाद के लिए जाता है। हालांकि इस रोड को 4 लेन बनाया जा रहा है और देख सकते हैं साइड में काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो कुछ ही देर में हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे। दोस्तों रास्ते में आपको राजा जी नेशनल पार्क भी मिलेगा, तो अगर आप कुछ देर यहाँ पर यहाँ के जो दृश्य हैं वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। दोस्तों मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं वो हाईवे है जो कि नजीबाबाद के लिए जाता है। अभी मैं उसी रास्ते से आगे की ओर गया था, लेकिन ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर रुका जाए। और ये जो स्थान है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, नेक्स्ट टाइम जब कभी टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे। और फिलहाल यहाँ के आसपास के व्यू देख सकते हैं। और ये मेरा दोस्त है
जो आज मेरे साथ शंकर जी के मंदिर पे मेरे साथ चल रहा है। हालांकि ये मेरे दोस्त का ही प्लान है, मुझे उस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो दोस्त ने ही बताया कि वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्यों ना अपने दर्शकों को उस मंदिर के बारे में भी जानकारी दो, ताकि हरिद्वार आने वाला जो भी व्यक्ति है वो उस मंदिर में जाकर जो प्राचीन धरोहर है हमारे देश की उनको देख सके। दोस्तों अब हम श्यामपुर कांगड़ी पहुंच चुके हैं और यहां से आगे चलेंगे तो एक दुर्गा जी का एक मंदिर है, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। काफी विशाल प्रतिमा है माँ दुर्गे की, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। रास्ता देख सकते हैं, ये 4 लेन बहुत जल्द बनने वाला है और उसके बाद इस रास्ते में चलने का मजा ही अलग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है, बहुत ही विशाल प्रतिमा। चलते हैं आगे, अभी लगभग 2-3 किलोमीटर हमें और आगे चलना होगा। दोस्तों यहाँ पर है श्यामपुर का ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो आप जब भी आए तो यहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि काफी दूर आगे जाने के बाद ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं शंकर जी के प्रमुख मंदिर पर। और यहाँ खैरा पंजाबी ढाबा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही फेमस एक ढाबा है जहाँ पर आपको लंच डिनर आते भी यहीं खाएंगे हम लोग ना। चलो ठीक है, तुम्हारे ओके बिल्कुल। तो दोस्तों मंदिर के बिल्कुल करीब मैं पहुंच चुका हूँ और चंडी पुल से लगभग 9 किलोमीटर आगे जब आप इस रास्ते में चलेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊंचे पहाड़ों में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और जैसे ही आप हरिद्वार से नजीबाबाद हाईवे में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा और मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप चंडी देवी का पुल पार कर लेंगे, जो चंडी घाट का जो पुल है उसको पार कर लेंगे, तो वहाँ से 9 किलोमीटर के आसपास आपको नजीबाबाद हाईवे में चलना होगा और यहाँ पर आपको ये बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर रुककर और यहाँ से जो एक रास्ता है इस तरफ जाता है, तो चलते हैं मंदिर में, आप सभी को भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्राचीन धरोहर है हमारे देश की उसको भी देखेंगे और दर्शन करेंगे। और बात करें ये मंदिर की तो ये मंदिर भी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। तो चलते हैं मंदिर में, ये देख सकते हैं ऊंचे पहाड़ों में एक प्राचीन मंदिर है, मेरा दोस्त आगे पहुंच चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाईवे के बिल्कुल पास है, आप 1 मिनट में पैदल चलते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यहां पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे ये प्राचीन शिवलिंग दिखेगा, इसकी पहचान आप देखकर ही समझ सकते हैं कि इस तरह के शिवलिंग जितने भी हमारे प्राचीन जगह हैं, चाहे वो एलोरा हो, वहाँ ही ऐसे देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत में ही आपको ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं और मंदिर में क्या क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। और जो भी मंदिर के अंदर पुजारी जी होंगे उनसे बातें करेंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में जितना अच्छा वो बता सकते हैं शायद ही कोई बता सके। और जो मंदिर का नाम है आप देख सकते हैं कुंडी सोटेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है ये सिद्धपीठ सतयुगी श्री कुंडी सोटेश्वर महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों मंदिर परिसर में पहुँचने के बाद यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर धुना आप देख सकते हैं,
ये धुना लगातार जलता रहता है और यहाँ पर एक बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं, तो इनसे बात करेंगे और महात्मा जी ही इस मंदिर के जो इतिहास है उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो महात्मा जी आपको प्रणाम। हरिओम। आपका शुभ नाम क्या है? दास को बाबा संतराम कहते हैं। और कितने सालों से आप भगवान शिव की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? कितने साल? 25 वर्ष हो गए हैं हमारे को। जी बाबा जी, यहाँ पर जब जंगल था, जब मैं यहाँ पर आया, सब मंदिर जो है अंदर छुपा हुआ था, भगवान ने उनको प्रेरणा दी तो सब शक्तियाँ जो देवी मूर्तियाँ हैं सब बाहर आ गई। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये केदारनाथ के समय का है, नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं उस समय का है, IDPL में वीरभद्र मंदिर जिस समय का है उस समय का है, नीलेश्वर जिस समय का है, उड़न खटोले के पास ये उस समय का मंदिर है। यहाँ पर बारात भी रुकी थी भगवान शिव की, और शिव बेल्ट है नीलेश्वर तक, और यहाँ से कनखल बारात गई थी राजा दक्ष के यहाँ। ये केदारनाथ के समय का क्यों है, पीपल के नीचे यहाँ पर एक नंदी रखे हैं, इनके नाम नहीं है, यह नंदी और केदारनाथ के नंदी एक समान है, पशुपतिनाथ के नंदी और यहाँ के नंदी एक समान है। IDPL के अवशेष षोडश मातृका जो यहाँ पर प्रकट हुई है, ये और वो अवशेष एक समान है। ये स्कंद पुराण के केदार खंड में अमरकेश्वर इनका नाम है, वर्तमान में कुंडी सोटे के नाम से विख्यात हो गया है। ये बड़ा सिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जंगली हाथी भी यदा कदा माथा टेकते हुए देखे गए हैं, यदा कदा रात्रि में अपने आप टल्ले बज जाते हैं, और जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, जैसे 15 वर्ष बाद संतान का होना, अल्ट्रासाउंड में लड़की का होना, 5 अल्ट्रासाउंड फिर भी पुत्र हो गया, तो ऐसे यहाँ का जो है ये सिद्ध मंदिर है और यहाँ की मान्यता है। तो महात्मा जी, यहाँ पर जो प्राचीन शिलालेख इतने देखने को मिल रहे हैं, ये प्राचीन हमारे देश की धरोहर है। तो कुछ जब भी यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए होंगे, उन्होंने शोध भी किया होगा, तो कुछ पता चला है कि कितने समय पहले के? तो यहाँ पर आए थे, तो आगरा से ही आए थे, तो उन्होंने एक ईंट को देखा है, यहाँ पर इतनी बड़ी ईंट थी, तो उसको देखने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी ये जो है 5,500 उस समय कहा था 25 साल पहले, 5,500 वर्ष पहले सभ्यता है। और जो भी यहाँ अवशेष है, ये पौराणिक जो मंदिर है आपके तिब्बत में, नेपाल में पशुपतिनाथ और आपके केदारनाथ, ये उस समय का स्थान है। और बल्कि यहाँ तक भी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे से जो चक्री निकली है जी, खुदाई के दौरान मैं टीवी पर देख रहा था, तो वही चक्री बाहर भी रखी है, सेम वैसी है जो अयोध्या में निकली राम मंदिर की, त्रेता युग की। तो इतना प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले और भी ज़्यादा यहाँ पर प्राचीन जो शिवलिंग है, शिलाएँ हैं, पहले ज़्यादा थी, तो क्या कुछ शिलाएँ ले भी गए हैं वो लोग यहाँ से मेरे आने से पहले? जी। तो जिसको जो हाथ लगा वो ले गया, पहले कुछ नहीं मिला मेरे को यहाँ, तो बाद में जो प्रेरणा मिली जो अवशेष हैं मेरे सामने के हैं, पहले जो ले गए तो ले गए, तो पता नहीं कौन ले गया क्या ले गया, किसी को बाबा को भी वो नहीं थी कि धरोहर को रक्षा करे, तो ऐसा था। ऐसा जो मंदिर देखने में आ रहा है, तो कितने समय पहले निर्माण किया गया था? 25 साल में डेवलप हुआ है ये। अच्छा, 25 वर्षों में। तो 25 वर्षों से पहले आपने कैसा यहाँ पर देखा था? वीरान था, जंगल था, और सारा मंदिर जो है जमीन के अंदर था, बीच वाली पिंडी थी यहाँ पर। जी जी। जो बीच में आप पिंडी देखेंगे, 5 पिंडियों में बीच वाली पिंडी है, ये थी यहाँ पर, पूजा पाठ हो रही थी, जल की व्यवस्था भी निकली है, जो अभिषेक होते थे उस समय में जल कहाँ जाता था, वो जल की व्यवस्था भी नाली भी निकल आई है, सब निकला है। और महात्मा जी, मंदिर खुलने का सुबह क्या समय है? सुबह जो है 6 बजे 5 बजे जो है मंदिर का दरवाजा खुल जाता है, और रात्रि 8 बजे तक जो है आरती के बाद जो है बंद हो जाता है। कोई ऐसा वार्षिक समारोह भी यहाँ पर होता है? जब समारोह होता है शिवरात्रि पर, फागुन में जो शिवरात्रि आती है, अब जो आने वाली 1 मार्च को है, वहाँ पर बहुत बड़ी अपार भीड़ होती है और भंडारा भी चलता है, और लोग बाग अपनी कावड़ मनोकामना के अनुसार यहाँ पर कावड़ चढ़ाते हैं, और उनकी यदा कदा मनोकामना पूर्ण होती है।
बाबा जी आगे सिद्ध स्रोत भी है क्या कुछ? हाँ, सिद्ध स्रोत है, यहाँ से कामली जाएंगे आप, कामली बैक में तो वहाँ से रास्ता है 3 किलोमीटर, वो वहाँ भी जंगल में सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्रोत। तो वो जो जल आता है वो पहाड़ों से? पहाड़ों से स्रोत आ रहा है, उसका नाम सिद्ध स्रोत है। तो किसी ने कभी तपस्या की होगी जी, किसी महात्मा ने, इसलिए सिद्ध स्रोत नाम पड़ गया है। वहाँ मंदिर भी है देखने को, वहाँ आश्रम है, बाबा सीताराम जी का आश्रम है, उनके शिष्य इस टाइम विराजमान है वहाँ पर। महात्मा जी जानना चाहेंगे, जैसे कि इस मंदिर का नाम कुंडी सोटेश्वर महादेव है, तो इस नाम के पीछे कुछ इतिहास है, कोई कहानी है? वर्तमान में ये नाम विख्यात हो गया है, इसी नाम से प्रभु प्रसन्न हो गए हैं, और नीचे जो स्थान पर अवशेष रखा है ये कुंडी और सोटा, उसके नाम से कुंडी सोटा वर्तमान में विख्यात हो गया है। स्कंद पुराण के केदारखंड में अमरकेश्वर नाम रहा है इस स्थान का। अच्छा सर, अमरकेश्वर महादेव के नाम, पौराणिक जो इस मंदिर का नाम था। हाँ जी, हाँ जी, पहले जिस समय में स्कंद पुराण के केदारखंड। तो महात्मा जी आपने अपना कीमती समय दिया, मंदिर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी, तो एक बार फिर से आपको सादर प्रणाम। और आयुष्मान आयुष्मान, और चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आशीर्वाद आप दीजिए। हाँ, सबको आशीर्वाद, साधुवाद। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मंदिर के ही पास, यहाँ पर धुना के पास भी कई मंदिर हैं, और यहाँ पर जो महात्मा जी को आप सुन रहे थे उनके ये गुरु महाराज हैं, तो आप देख सकते हैं बाबा मस्तराम जी हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो और मंदिर हैं वो आप देख सकते हैं, और ये धुना लगातार जलता रहता है। बाबा जी कितने वर्षों से लगातार ये धुना आप? 25 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा तो दोस्तों चलते हैं, मंदिर के इतिहास के बारे में आपको पता लग गया है, अब दर्शन करेंगे भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर के, और दर्शन करने से पहले मंदिर के इतिहास के बारे में जरूर पता हो, तभी दर्शन करने में और भी ज्यादा आनंद आता है। तो चलते हैं। फाइनली हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं, ये मुख्य स्थान है, कुंडी सोटेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य मंदिर है, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे मंदिर परिसर में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर आप सभी को लेकर चलेंगे और दर्शन कराएंगे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं उनको इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलते हैं, यहाँ मंदिर के आसपास जो भी प्राचीन जो धरोहर हैं उनको एक बार फिर से देखेंगे। अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के जो प्राचीन मंदिर हैं वो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा और दर्शन कर सकते हैं, और बैक साइड में जो आपको एक प्राचीन जो शिला दिख रही है इसको देख कर आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीन होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि ये कितना प्राचीन है, लेकिन इस तरह के जो शिलालेख हैं या शिलाएं हैं ये प्राचीन समय के होते थे, हमारी संस्कृति थी सनातन धर्म की, तभी की ये डिजाइन किए हुए ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे और भी यहाँ पर हैं, तो आप सभी को ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नंदी महाराज को देख सकते हैं, ये जो नंदी महाराज की प्रतिमा है जो केदारनाथ में नंदी महाराज जी विराजमान है, वो और ये वाली जो प्रतिमा है सेम है, और महात्मा जी ने इसी प्रतिमा का जिक्र किया था और उन्होंने बताया था दो तीन बातें ऐसी हैं जो केदारनाथ में मंदिर से मिलती हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये मंदिर जो है उसी समय का है। तो आप देख सकते हैं
ये जो नंदी जी महाराज हैं, हालांकि ये खंडित प्रतिमा है, लेकिन ये नंदी जी महाराज की सेम वैसी ही प्रतिमा है जैसे केदारनाथ धाम में मौजूद है। चलते हैं आगे। मंदिर परिसर में आपको माता पार्वती की वाटिका भी देखने को मिलेगी, तो आप सभी को ले कर चलते हैं और दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ के व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर माता पार्वती का भी एक मंदिर है, तो और यहाँ पर एक छोटी सी वाटिका है, तो वाटिका के जो दृश्य हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फलों के कई पेड़ हैं, यहाँ पर अमरूद के पेड़ आपको दिख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलते हैं मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं माता पार्वती जी का मंदिर है, तो वहाँ पर आपने भगवान शिव के दर्शन किए हैं और यहाँ पर माता पार्वती के दर्शन आप कर सकते हैं। मैं आपको और जूम करके दिखाना चाहूँगा और पास में ले जाकर, ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सकें। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जो प्राचीन शिलालेख हैं, जो प्राचीन धरोहर हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ये शिलाएँ जो आप देख रहे हैं, इनके बारे में ये बता पाना कि ये कितने प्राचीन हैं, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कई सौ साल या हजारों वर्ष पहले की ये शिलाएँ हैं। और दोस्तों ये है वो प्राचीन धरोहर। यहाँ से ना जो मेन चीजें थी वो सब उठा के ले गए। अच्छा, पुरातत्व विभाग वाले, बाकी कुछ ये छोड़ गए वैसे ही देखने के लिए लोगों के, थोड़ा बहुत ही छोड़ गए, बाकी सब ले गए यहाँ से। तो दोस्तों अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस कहीं ज़्यादा प्राचीन जो धरोहर हैं, पुरातत्व विभाग वाले जो अच्छी अच्छी जो मेन जो भी यहाँ के जो पत्थर हैं, जो शिलालेख हैं, वो अपने साथ ले गए हैं सब, और कुछ ही निकला हुआ ये सब ना। और ये देख सकते हैं, ये पहचान है कि जब खुदाई के दौरान ये सभी जो पत्थर हैं आप देख रहे हैं, ये सारी प्राचीन इसमें डिजाइन की गई हैं। यहाँ पर भी नंदी जी महाराज की एक प्राचीन प्रतिमा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर भी भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है। और ये मंदिर बंद है फिलहाल, इस वजह से हम इधर नहीं जा सकते, अभी लॉक लगा हुआ है, शायद मंदिर खुलने का समय होगा। दोस्तों बाबा जी ने आपको बताया था कि यहाँ पर अक्सर जो जंगली जानवर हैं, हाथी और हिरन, यहाँ पर एक प्राचीन कुंड है, वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और उसके बाद वहाँ पर माथा टेकते हैं, बाबा जी ने आपको बताया ही था। तो उस प्राचीन कुंड को भी देखना तो बनता ही है, जब आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उस कुंड को भी देखेंगे। तो दोस्तों कुंड तक मैं पहुंच चुका हूं, ये वो कुंड है जहां पर जंगली जानवर हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। और ये पूरा एरिया अगर बात करें तो तीन ओर से जंगली जंगल से घिरा हुआ है। और अभी फ़िलहाल आप कुंड को देख सकते हैं, कुंड में बहुत साफ जल नहीं है, इसमें थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है, सफाई की इसमें बहुत ज़रूरत है। और इसी कुंड में आकर अक्सर जो जंगली जानवर हैं वो पानी पीते हैं और उसके बाद भगवान सोटेश्वर महादेव के लिए सर झुकाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इतने अच्छे अच्छे मैं आप सभी को दर्शन कराता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह आप लगातार दर्शन करते रहें
और वीडियो को लाइक करने के बाद तो शेयर करना तो बनता ही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्राचीन मंदिर को देख सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मंदिर के बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।